श्री गणेश जिनको ज्ञान मूर्ति कहते हैं, उनके हर एक अंग के पीछे एक फिलॉसफी है, एक तत्व है। अब उस तत्व का ज्ञान तब तक नहीं होगा जब उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर लेते। तो आज शायद हम बहुत सारे लोग पहली बार इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि उनके अलग अलग भाग जो हैं हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका क्या अलग अलग रूप और क्या अलग अलग तत्व है। इस डायग्राम को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आइडल वर्शिप श्री गणेश आपको इतना लिखना है एंड यू विल गेट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में सीसीडीएल की तरफ से हम ये देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार इस मूर्ति की सहायता से हम इस इवेंट को सुपर सक्सेसफुल बनाएंगे। नंबर वन, शुरू करते हैं उनकी छोटी आँख, जो कि बहुत छोटी छोटी आँखें हैं और वो नज़रें हैं विज्ञान की, और विज्ञान की नज़र से मेरे जैसे और आपके जैसे इस दुनिया में और कोई नहीं है। हम सब एक सिंगल मास्टर पीस हैं जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। हम सब लोग पीस नहीं, मास्टर पीस हैं। लेकिन इतना पता चलने के बाद भी, आधार कार्ड बनाने के बाद भी, वो जो आउटलुक है हर एक के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कजिन्स, अपने बेस्ट फ्रेंड्स, ऑफलाइन फ्रेंड्स, पबजी फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, हर एक फ्रेंड के अंदर वो स्पेशल क्वालिटी देखने को आना चाहिए। दैट इज़ हम ये प्रण खाते हैं कि हम हर एक को विज्ञान की नज़र से देखेंगे, बिकॉज एवरीबॉडी इज स्पेशल, ना कि सोसाइटी की नज़र से, वेर नो बॉडी इज स्पेशल, एवरीबॉडी इज सेम, दिस इज सोशल। बट साइंस एंड लॉर्ड श्री गणेश सेज दैट हमने आपको डुप्लीकेट नहीं बनाया, यू आर नॉट अ चाइना आइटम, यू आर मास्टरपीस। छोटी आंखें। अब हम बड़े कानों की बात करते हैं। भगवान श्री गणेश ने छोटे कान नहीं, बड़े बड़े कान दिख रहे हैं। उनका अर्थ है कि सुनना बंद और समझना शुरू। सुनना इज लिसनिंग, सुनना इज हियरिंग, समझना इज लिसनिंग। सो ये हियरिंग एंड लिसनिंग में जिस दिन फर्क करना मैंने समझ गया, उस दिन भगवान श्री गणेश के बड़े कान कि हमें सुनना सबकी है लेकिन मानना अपनी है। वी आर हियरिंग और लिसनिंग। अगर आपने लिसनिंग करना 100% शुरू कर दिया और हियरिंग 0% कर दिया, लाइफ के सारे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएंगे, लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे, आप बड़े बड़े चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। सिर्फ लिसनिंग स्टार्ट एंड हियरिंग क्लोज। नेक्स्ट, भगवान के एक दांत, जो कि एक दंत उनको कहा गया है, एक दांत है नॉलेज और दूसरा दांत है एक्सपीरियंस। तो हो सकता है नॉलेज पूरा ना हो आधा, लेकिन जितना नॉलेज है उसके अंदर जो एक्सपीरियंस मिला है ना, वो सब कुछ होता है। नॉलेज से बड़ा क्या है? एक्सपीरियंस। छोटा दांत नॉलेज, बड़ा दांत एक्सपीरियंस, छोटा दांत नॉलेज, बड़ा दांत कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉलेज? 96% मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस? नॉलेज कि कॉन्फिडेंस? नॉलेज इज नॉट 96% मार्क्स, कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, दैट इज वॉट योर एक्सपीरियंस, योर कॉन्फिडेंस इज। अब हम बात करते हैं भगवान के बड़े सर के बारे में। भगवान कहते हैं थिंक बिग। आप सोचते हैं जॉब करें, आप सोचते हैं बिजनेस करें, आप सोचते हैं जॉब करें, आप सोचते हैं बिजनेस करें। मैं कहता हूँ, उंधिर मामा आपसे कहता है, सिस्टम पे काम करो। अगर सिस्टम परफेक्ट है तो जीते जी भी पैसा आएगा और मरने के बाद भी पैसा आएगा। ऐसे कितने सारे ऑनलाइन सिस्टम्स आज रेडी खड़े हैं, जिन्होंने जिससे बनाया वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं।
ऐसे बड़े थॉट्स को लेकर जिन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, आज वही सक्सेसफुल बने हैं। लेट अस क्रिएट अवर ओन पावरफुल प्लेटफॉर्म, ईच वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू। लेट अस थिंक बिग, भगवान श्री गणेश के बड़े सर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बिग स्टमक, बड़ा पेट।